थैंक यू ऑल सो मच। पर ये सब तुम लोगों ने कैसे किया? इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, यू डोंट वांट टू नो। पहले फेक गुंडे लाना ताकि भाई साहब लोग की पिटाई हो, फेक पिटाई। फिर उसके बाद मानिक और ध्रुव को एक टाइम पे एक जगह पहुंचाना। एंड आई शुड गेट अ क्रेडिट फॉर दैट। नंदिनी को मानिक से दूर रखना। एंड यू नो व्हाट, वी हैव एक्चुअली अचीव्ड डूइंग दैट। सो इट्स अ अचीवमेंट। दोस्तों के लिए क्या नहीं करना पड़ता है ना? गुड जॉब आई मस्ट से। गुड। पर हाउ कम दीज फेक वुंड्स गिव रियल वुंड्स? ये कैसे हुआ? अभी से गर्लफ्रेंड मोड ऑन है। सीरियसली? डूड मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। यू गाइस कैरी ऑन विद योर पीडीए, इट्स ओके, वे चिल विद इट। इतना कुछ करने के बाद भी कंप्लेन तो गर्लफ्रेंड का आता रहता है ना। बट सीरियसली मैं नंदिनी को माफ करता हूँ, बिकॉज इसके सवाल में काफी दम है। मैंने उन्हें क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया था, उन्हें पैसे दिए थे फेक पिटाई के लिए, बट पता नहीं उन्होंने इतनी ओवर एक्टिंग क्यों की, इतना ओवर परफॉर्म क्यों किया। यू गॉट इंजर्ड क्योंकि मे बी समवन एल्स पेड देम मोर टू ओवर परफॉर्म। मे बी ये फेक फाइट को रियल फाइट बनाने के लिए। व्हाट? पर ऐसा कौन करेगा? पंडित। I'm sure वही कर सकता है। यस दैट जोक पंडित। मानिक तुम्हें पंडित जी ने ऑलरेडी लेट यू कम ऑन द स्टेज। मानिक बोलो। गाइस एक्चुअली नंदिनी, देयर इज वन मोर पर्सन हुम वी शुड थैंक फॉर ऑल दिस। वर यू आउट ऑफ योर माइंड? क्या सोच के आई थी रिद्धमा? तुम्हारे इसी डरे घबराए चेहरे को देखने के लिए आई थी और तुम्हारा सारा प्लान मैंने बर्बाद कर दिया। मुझे बर्बाद करना इतना आसान नहीं है रिद्धमा। गलत। मैं तुम्हारा सब कुछ बिगाड़ सकती हूँ। इस दुनिया को द ग्रेट म्यूजिक मेस्ट्रो पंडित त्रिलोक चौरसिया की असलियत बता के। अच्छा क्या बताओगी तुम दुनिया को? क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? क्या मैंने तुम्हें फोर्स किया, तुम्हारे साथ जबरदस्ती की? नहीं ना, तुम खुद मेरे पास आई थी। मैं तुम्हारी स्टूडेंट थी, तुम्हारी रिस्पेक्ट करती थी और तुमने मेरे रिस्पेक्ट का मिसयूज किया। ओ स्टॉप दिस ड्रामा। अगर तुम मुझे बर्बाद करने का सोच रही हो तो तुम भी बर्बाद होगी। सो नॉट स्केयर ऑफ यू रिद्धमा। तो तुम मुझसे नहीं डरते? तो जब तुमने मुझे देखा तो नंदिनी और मानी को साथ में परफॉर्म क्यों करने दिया? पंडित त्रिलोक चौरसिया, तुम जानते हो जो तुमने इतना फेम और नेम इतने सालों में कमाया है ना, उसे मैं यूं खत्म कर सकती। मेरी सिर्फ एक स्टोरी एंड देन यू विल बी फिनिश्ड। पंडित जी, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू राइट नाउ। I said, come out right now. तुम यहां से नहीं हिलोगी। You should be celebrating. You know your son so well. मुझे नहीं पता था कि मैं हार जाऊंगा उससे। आप इतनी जल्दी हार मान गए? नंदिनी और मानिक ने एक साथ स्टेज पे परफॉर्म किया, क्या ये मेरी हार नहीं है? पंडित जी Stop getting so emotional. दिल से नहीं दिमाग से सोचिए, कौन है जो नंदिनी को आपसे बेटर फ्यूचर दे सकता है? आप जैसे रिनाउंड म्यूजिशियन का मानिक के साथ क्या कंपैरिजन है? स्टेज पे एक साथ गा लेने से आपकी अपनी सारी मेहनत वेस्ट होने देंगे।
आप नंदनी को इतनी आसानी से जान देंगे? आप अब तक हारे नहीं हैं। You're right, नंदनी। मैं सबको इन्फॉर्म करता हूँ रिधिमा के बारे में। कबीर, नहीं हमें आलिया को बता देना चाहिए that he's back. आज नहीं तो कल उसे पता चल जाएगा ना. Then why spoil the night? Oh, look who's here. हाँ, finally आ गए आप लोग. क्या हुआ? तुम दोनों कहाँ गायब हो गए? अंदर वहाँ स्टेज के पास तुम लोगों के लिए तारीफों की मतलब सुनामी आ गई थी, पर तुम लोग नहीं थे. तो कहाँ थे तुम दोनों? आई मीन द क्वेश्चन इज क्या कर रहे थे तुम दोनों? हो गया क्या? ऑलरेडी इतने इंपेशेंट हो तुम दोनों? सो फास्ट. अति कबीर, कम ऑन, स्टॉप इट गाइस. अरे नो, बट I'm serious. अरे भुक्ति, stop it ना. फोन आ गया. फोन तो इसलिए I just went out. That's about it. Oh yes, absolutely. वो क्या है कि मानिक एक सरप्राइज पार्टी प्लान कर रहा है. Oh. हम सब के लिए. कौन से आ कबीर, इसी की पार्टी तो होगी ना. अब ध्रुव वापस आ गया है, रेबेल ऑफ द गैंग, फैब फाइव इज बैक यार, तो हाँ इसी की पार्टी है. ऑफ कोर्स, यस. ध्रुव के लिए तो मैं प्रिपरेशन कर रहा था ना पार्टी. क्या कम ऑन गाइस, स्टॉप इट, लुक एट द फेसेस यार, पुअर थिंग. या आई टोटली एग्री विद यू आलिया, बट व्हाट अबाउट यू नंदिनी? What about me? I mean, तुम किस चीज की प्लानिंग कर? प्लानिंग और मैं? नंदिनी हमें पता है कबीर कैसे क्वेश्चन करता है. Obviously ना वो भी उसी सरप्राइज पार्टी के लिए प्लानिंग कर रही थी, है ना नंदिनी? अरे मधुबाला, ओए इतना मेलो ड्रामा क्यों कर रही हो? मैं छोड़ के थोड़ी ना गया था तुम्हें. हाथ छोड़ के लेकिन वापस लेने तो आया हो ना. चलो लेट्स गो. क्या हुआ? लिसन, जो स्केयरिंग मी राइट ना, डरा रही हो तुम मुझे, ठीक है? तुमने भूत देख लिया क्या? हाँ ना?
Manik, I'm sure you'll be really surprised to know that this is where we met first.